भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह जितने बड़े दिलदार हैं उनकी दिलदारी के किस्से भोजपुरी इंडस्ट्री में मशहूर हैं। पवन सिंह को अगर कोई पसंद आ जाता है तो भाई उसकी खूबियां क्या और खामियां क्या। आज हम आपको बताते हैं कि ससुराल में पवन सिंह थे तो जरूर। पवन सिंह ने एक बहुत बड़ी धनराशि पीएम फंड में जमा भी की, लेकिन उसके बाद भी पवन सिंह नहीं रुके। जी हाँ, अपने गांव में ज़रूरतमंद लोगों के घर जा जाकर पवन सिंह लोगों को ये पूछ रहे हैं कि कहीं उन्हें कोई परेशानी तो नहीं, कहीं उन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और इस तरह से कोई परेशानी हो तो भाई उनका बेटा अभी है। यानी कि पवन सिंह जिस तरह से भाई लोगों की मदद कर रहे हैं, अपने आस पड़ोस के गांव वालों की भी, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पवन सिंह वाकई में दिल के राजा हैं। पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा दान दिया और अब पवन सिंह अपने गांव के ज़रूरतमंद लोगों को भी धनराशि और खाने पीने का मुहैया करवा रहे हैं। साथ ही साथ ये देखकर ये बहुत अच्छा लगा कि पवन सिंह लोगों के घर जा जाकर उनकी तकलीफ़ें पूछ भी रहे हैं। तो भाई इसीलिए पवन सिंह को भोजपुरिया राजा कहा जाता है। और पवन सिंह इसलिए अगर ये कहते हैं कि वो अपने फैंस के बलबूते आज हैं जो हैं, तो गलत नहीं कहते, लेकिन पवन सिंह जितना लेना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न करना भी जानते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।